बचाओ सम्मेलन के आयोजक बड़े भाई माइनॉरिटी लीग के प्रदेश के अध्यक्ष शकील साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली से लोकप्रिय विधायक हाजी यूनुस साहब, पार्टी के प्रदेश के महासचिव भाई दिनेश सिंह पटेल जी, इस जिले के प्रभारी, कई राज्यों में पार्टी संगठन को विस्तार देने वाले बड़े भाई साथी भाई आशुतोष शेखर जी, जिले के हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई अनु शुक्ला जी, पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी, भाई अंकित परिहार जी, उन्नाव के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष अकमल भाई, कानपुर देहात के हमारे सम्मानित अध्यक्ष पाल साहब, बेटालाल दिवाकर जी, इस्मा जहीर जी, निशा निगम जी, पुष्पा सिंह जी, मेरठ के हमारे मजबूत साथी भाई गुरविंदर सिंह जी, संजू निगम साहब, नोमान भाई जिनका नाम नहीं ले पा रहे, अजीज भाई, इमरान भाई, आप सभी साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आप सब की तरफ से माने हाजी यूनुस साहब का जो इस कार्यक्रम के मुकदित है, दिल्ली के लोकप्रिय विधायक है, आप सब की तरफ से माननीय विधायक जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत सारे साथियों ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी, लेकिन जो हालात है लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन के जरिए जो हम लोगों का एक मकसद है, एक कोशिश है कि इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो तानाशाही की राजनीति है, जाति और धर्म की राजनीति है, जिसके खिलाफ माननीय सांसद संजय सिंह जी ने सड़क से लेकर सदन तक पूरी मजबूती से उस आवाज को उठाया, तानाशाही के खिलाफ लड़े, जाति और धर्म की राजनीति के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर काम की राजनीति कैसे शुरू हो, माननीय सांसद जी ने पूरी मजबूती के साथ उस आवाज को बुलंद किया। और आज सांसद जी जेल में है, उनका जो संदेश है उस संदेश को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे साथियों के मन में बहुत सारे सवाल है कि हमारा नेता जेल में है, हमारी पार्टी के दूसरे सारे नेता जेल में है, एक दबाव एक दहशत का माहौल है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं माननीय सांसद जी का जो संदेश है, मैं उस दौरान के चैन के जरिए अपनी बात कहूंगा कि हौसला रखो है मेरे दोस्तों, हौसला रखो है मेरे दोस्तों, एक समय ऐसा भी आएगा घड़ी दूसरे की होगी, वह अपना बताएगा, ये हम कहना चाहते हैं। आपके जिम्मे दो काम है, जहां आपको लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़नी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर आपके अपने संगठन को भी मजबूत करना है, संगठन की भी समीक्षा करनी है, क्योंकि कोई भी लड़ाई बगैर किसी संगठन के संभव नहीं है। जिस तरीके की राजनीति इस देश के अंदर है, जिसके खिलाफ माननीय सांसद जी मजबूती से लड़ते आ रहे हैं, उस लड़ाई को अगर आपको उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाना है तो आपको उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संगठन भी बनाना पड़ेगा।
हम आपसे सिद्धता कहना चाहेंगे कि आप अपने संगठन को भी मजबूत करिए, संगठन की भी समय समय पर समीक्षा करते रहिए और आतंक का प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश में एक अच्छा संगठन है, बहुत बेहतर तरीके से सकिल भाई चलाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सांसद जी जब बाहर आएंगे तो फिर से एक बार सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत के तौर पर आपका सरकार दिखाई देगा। साथियों, हमारे कई वक्ताओं ने बहुत व्यक्तियों पर बात की, इस देश में महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों की जो दुर्दशा है, आज ये मोदी सरकार इस देश में ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि कोई भी आदमी बेरोजगारी पर सवाल न पूछे, महंगाई पर सवाल न पूछे, किसानों की दुर्दशा पर सवाल न पूछे, ऐसा माहौल इस देश के अंदर बनाना चाहती है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर गांव गांव घर घर आपको जाना है, जो सांसद संजय सिंह की सोच है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आम आदमी पार्टी का सपना है, जो अरविंद केजरीवाल का सपना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति को खत्म करके अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति को लाना है, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको संगठन को भी महत्व देना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। भाई शकील साहब का, भाई हाजी यूनुस साहब का फिर से हम एक बार आप हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है, माननीय विधायक जी को सुनना है, आप बहुत सारे साथी बहुत देर से बैठे हैं, हम आदर और सम्मान के साथ माननीय विधायक हाजी यूनुस साहब को आमंत्रित करता हूँ कि माननीय विधायक जी हमें और विस्तार से आपके बीच रखे। माननीय विधायक जी,